कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर जोर देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार दफ्तरों में भी वैक्सीन लगाने की तैयारी में है। केंद्र ने इस संबंध में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि 11 अप्रैल से ये सुविधा शुरू की जा सके। केंद्र सरकार के मुताबिक ये सुविधा उन दफ्तरों से मिलेगी जहां 100 पात्र या वैक्सीन के इच्छुक कर्मचारी होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी है। पत्र में लिखा गया है कि फॉर्मल पेशे, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सेवाओं के सरकारी और निजी दफ्तरों में 45 साल से अधिक की उम्र वाले कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के प्रशासन की मदद से वैक्सीनेशन अभियान को तेज और प्रभावी बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कोरोना वैक्सीन अभियान को और तेज बनाने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार दफ्तरों में भी वैक्सीनेशन सेक्शन की शुरुआत कर सकती है। ऐसी जगहों पर जहां लगभग 100 पात्र कर्मचारी, उन जगहों को कोविशील्ड वैक्सीन सेंटर के तौर पर टैग किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत राज्य एवं जिला प्रोग्राम मैनेजर को जरूरी जानकारियां दी जाएंगी, जिससे कि कार्यस्थल पर भी वैक्सीन की खुराक दी जा सके। केंद्र ने कहा कि विचार विमर्श के बाद ये अभियान 11 अप्रैल 2021 से शुरू किया जा सकता है।